जीडी मेरा फोन क्यों नहीं चक रहा? खरी गल से कर ले मेरे नाल। तने की समझदा अपने आप नू? मैं मुंह चक के भज गया। की होया सिरत? परेशान लग रही है? यार परेशान होने दी तो गल है। तेनू पता था जीडी गायब हो गया? किसी ने कुछ दसिया भी नहीं है कितने गया? ते मैं कदों ना फोन ट्राई करी फोन भी नहीं चक रहा है। तो समझ ही नहीं आ रही मैं करा की। यार लवली तू ट्राई करके वे की पता तेरा फोन चक ले वे। हाँ हाँ होने ले। नहीं सीरत मेरा फोन भी नहीं चक रहा। जमा ही लापरवाह बंदा। इन्हू आज समझ नहीं आ रही जो कोई फोन कर रहा है तो कोई इम्पोर्टेंट काम भी हो सकता है कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। फिर आ गलते वो समझता है ना जिन्हें अपने अलावा किसी होर दे बारे सोचा होवे कभी। अच्छा हुन परेशान होना बंद कर। हो सकता है बिजी हुए हो सकता है बाद च फोन कर लेवे तेनू। सवाल ही नहीं पैदा होंदा जो ने करना होंदा ना तो कदों दा फोन कर लेंदा। मैं एहो जेहा की करा कि जेडी भजदा भजदा आए व्याह कराउण। यार लवलीन तू मेरा एक काम करेंगी? हाँ दस की काम है? पहला प्रॉमिस कर। पहला काम तो दस। अच्छा मेरी गल ध्यान नाल सुन। नहीं नहीं सीरत तू पागल है? तेरा दिमाग तो ठीक है सारे की सोचेंगे? नहीं सीरत मैं आ नहीं करांगी। मैंने पता है लवलीन मैं की कह रही हूँ पर मैंने तेरी हेल्प दी बहुत लोड आ। सीरत तनु समझ भी आ रही है कि तू बोल की रही है? मैं समझती हूँ गल एक कुड़ी लेने कितनी मुश्किल है। प्लीज यार लवलीन प्लीज मैंने तेरी मदद दी बहुत जरूरत है। सीरत मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ पर आ नहीं। उंज भी तो तनु तो खुश होना चाहिए कि जेडी भज गया है। तू तो उदन व्याह करवाना नहीं चाहती सी। मैं आ ही चाहती सी पर यार फिर मैं मन गई क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की बदनामी पूरे पिंड विच फिर होंदे हुए नहीं वेख सकती। तेनु पता है मेरे मम्मी पापा मेरी छोटियां भैणा उन्होंने मेरे करके की कुछ सहना पै गया। उन्होंने घर तो कट दिता सी ते वो टाइम साडे लिए कितना भैड़ा सी तू सोच भी नहीं सकती। सीरत मैनु पता है तू अपने पूरे परिवार की तकलीफ झेली है पर थोड़ा मेरे बारे भी तो सोचना। यार मैं तेरी सोच रही हूँ लवली पर मैनु तेरी मदद की बहुत लोड़ आ। जे मेरे पापा नु पता लग गया क्या व्याह नहीं हो रहा जीडी नाल ते उन्हां दा दिल टूट जूगा। की पता उन्हां नु फिर तो हार्ट अटैक भी आ जावे। यार सारा कुछ खो सकती हूँ पर अपने अपणियां नु नहीं खो सकती। पूरे पिंड विच उन्हां दी बदनामी फिर तो होगी ना ते वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पिंड वाले साडी छत खो लेंगे। असि सड़क ते आ जावांगे। यार लवलीन यार मैं तेरे आगे हाथ जोड़ दिया। सीरत यार जो मेरी सहेली बन के नहीं थे इंसानियत दे नाते सही। ओ पम्मीए की पता बेचारी दे हस्बैंड ने उन्हूं छड़ दिता होवे। बेचारी सारियां जिनानियां छड़ के तानू बस मैं ही नहीं बेचारी लगदी। ओहो नहीं नहीं तानू तो मैं ही सब तो बड़ी झूठी लगदी हां चड़ेल लगदी हां पागल लगदी हां। ओहो पम्मीए ओ चुप हो जा आराम ना। सोचण वाली गल ए है कि सीरत ने अपा नूं ए क्यों नहीं दस्या कि लवलीन व्याही हुई है। पम्मा जी मैं ऐही तो गल तुहानू कहना चाहनी है ना कि दाल जी कुछ काला वा। नहीं पम्मीए ए दाल च काला नहीं है मैनू लगदा है कि पूरी दाल ही काली है।
ਵਾਂਟੀਏ ਘਰੇ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ ਕੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਆ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਆਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਲਵਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸਤ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਕਿਤੇ ਆਂਟੀਏ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ सारा कुछ गलत साबित कर दांगा जब तक तुसी टेस्ट कराओगे उदों तक थोड़ी इतनी बदनामी हो जाऊगी कि पापा आवे आपे तोड़ देंगे ते मैं आजाद हो जाऊंगी पर एदा असर जिन्ना थोड़े करियर ते होगा ना ओदा भुगतान तुसी कदे नहीं कर पाओगे ते जेड़ा थोड़े घर आलियां ते असर पाऊगा ओ अड बस सब कुछ बकवास है तैनूं लगदा तू मैनूं डरा देंगी ते मैं वापस आ जाऊंगा नहीं मैं नहीं आवांगा समझा की तेनू ठीक है फिर देखो तमाशा बैके तू यार सीरत तेनू लगता वापस आऊंगा पता नहीं यार मैं बस उम्मीद ते अरदास कर सकती हूँ शनो दीदी तुसी किन्नी परेशानी च घूम रहे हो तुहाडी तबीयत खराब हो जूगी तुसी आराम करो ओहो पमीए किद्दा करा आराम मैनू तां कुछ समझ नहीं आ रहा ए हो की रहा है इस तरह तां कदे होया ही नहीं कि मैं फोन करा ते ओ फोन ना चुके दीदी सो मुल्तानी मिट्टी दी मैनू भी यही लग रहा है कि तुसी ठीक कह रहे हो अजीब तां मैनू भी लग रहा सी पर मैनू ए नहीं समझ आ रही सी कि तुहाडे नाल मैं किवें गल करा तू कहना की चाहनी है पमीए मैनू सच सच दस दे नहीं तां फिर तू मैनू जानदी है दीदी सो मुल्तानी मिट्टी दी मैनू तुसी गलत ना समझियो जेड़ी इस विआह तों खुश ते आ ना ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਮੋੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਿੱਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਿੱਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸੱਤ ਦੱਸ जे मेनू बाद च पता लग गया ना कि तेन पता सी पहले तो जिमी बारे तो फिर देख ली तू हिसाब लगा ली अपना नहीं मम्मी जी ऐदा तो पाजी ने कोई गल नहीं दसी मेनू ऐ किदा हो सकता मेनू पता होंदा मैं तुहानू भी तो दसदा ना चंगा फिर गल सुन तू फोन लगा जिमी पुत्तर नू ते पुछो इस वेले है किथे है ठीक है मम्मी जी तुसी हुकुम किता समझो कम हो गया मम्मी जी घंटी तो बजी सी शायद ना पाजी ने फोन कट करता मैं दोबारा कर दा एक बारी हूं स्विच ऑफ दस रहा फोन हाय हाय दीदी सो मुल्तानी मिट्टी दी साडा जिमी बुत ऐसा तो थोड़ी ना हैगा सी आखिर जिमी नु होया की है वो इस तरह क्यों करता पिया दीदी मेनू बड़े बुरे बुरे ख्याल आ रहे ने किते कोई चक्कर तो नहीं हो गया पता नहीं पमीए मैं तो बस बाबा जी अगे यही अरदास कर दिया कि मेरा पुत्र सही सलामत घर वापिस आ जाए नहीं तो पता नहीं की होगा आ तू की कर रहा है रंजीत मैं जा रहा तू नहीं जा सकता लवलीन बारे ते सोच ओने मेरे बारे सोचिया धोखा दिता मेनू यार रंजीत तू ना ओनू दो दिन दा टाइम दे ओ तेरे सारे सवालों दा जवाब दे दूगी तेनू किदा लगदा है सिरत कि मैं ओते लई दो दिन भी रुकांगा मैं जानदा तू जड़ी नू प्यार नहीं करदी
वास्ते विआह भी नहीं करना चाहती, पर जे मैं जेड़ी करदा ते की तू उन्हें माफ कर देंदी? ये बच्चा जेड़ी दा है बच्चा, मैनू पहले ही अंदाजा ला लेना चाहिए सी, ते फिर वो इत्थे आई क्यों? इस लई तो नहीं कि तू उन्हें जेड़ी दे नाल सेट कराना चाहती सी? हे रब्बा, जेड़ी बाजी इसलिए गए ने? हां हो यार रंजीत, किवें समझावां इस मुंडे नूं? मम्मी, तैनूं परेशान क्यों लग रही है? कोई खास गल पुत्र? मां मैं तेरी, ते मां तो कोई गल नहीं छुपदी हुंदी। दस दे पुत्र की गल है? ओ, नहीं मम्मी, एहो जी कोई गल नहीं है। ओ बस व्याह दी तरीक नेड़े आ रही है ना, ते बस ओही सोच रही सी तैयारियां बारे। आही सोच रही सी के सानू डिसाइड कर लेना चाहिए था कि केड़ा कम पहला करिए केड़ा नहीं, क्योंकि उंज भी ते साडे घर। गल ते तू ठीक कह रही है पुत्र, पर मैं ते तो एक गल पूछना चाहनी हूं, जे तू बुरा ना मन्ने ता। ले अभी कोई कहने वाली गल है, पूछो। जेड़ी सच्ची मुची अपने दोस्त नु मिलन गया मुंबई, या फिर कोई होर गल है? सीरत मेनू गल दस दे। पुत्र अपने दिल विच कोई गल ना रखी, धियां ते मावां नाल हर गल्लां सांझियां कर लैंदियां ने, तू बिना डरे मैनूं अपने दिल दी हर गल दस सकदी है। नहीं मम्मी, एहो जी कोई गल नहीं है, ते जे होगी भी ते मैं थोड़े तो ते पापा तो लुकावांगी थोड़ी ना। रही गल जेडी दी, ओ सच्ची मुंबई गया अपने दोस्त कोल, ते इस तों अलावा होर कोई गल नहीं है। तुसीं एवें फिकर करी जांदे हो। अच्छा आज सब गल्लां छड्डो, हुण ना सानूं प्यारियां शुरू कर लेनी चाहीदी है। चंगा मैं मान लैनी हां, ठीक ही कह रही होएंगी, पर मेरा दिल नहीं मनदा पिया। पुत्र जे तू गुस्सा ना करे तो एक गल पूछा कि लवलीन जेड़ी नू पहले तो जानदी सी, ते तेनू इस बारे कुछ भी नहीं पता सी? ओहो मम्मी, तुसी भी पता नहीं केड़ी गल्लां नू लेके बह गए हो। जेड़ी एक सुपरस्टार है, ऑब्वियसली ओदा वड्डे लोकां नू उठना बैठना ना होएगा ही। थनाले मैनूं समझ नहीं आउंदा कि केड़ी गल नूं लैके तुसी बह गए हो, जिहदे करके तुसी इन्ने परेशान हो। मैं मनदी हां मम्मी, ते जेड़ी ते लवलीन एक दूजे नूं पहलां तों जानदे ने, तां की हो गया? पर सोचण वाली गल तां आ वै मम्मी, कि सीरत ते लवलीन आपस च कदों ते दोस्त बन गए। मेरा मतलब सीरत वर्गी भैंजी जी कुड़ी दी दोस्त, इन्नी स्टाइलिश, मम्मी आ सोचन दी गल है। चुप कर मिंटी, जो भी मुंह चांदा बोलती रहनी है तू। पर मम्मी मैं गल की हो रही है, तू किथे ले जानी है गल नो? हां जी मम्मी, छड़ो मिंटी नो, पर आ गल हैगी आ सच, लवलीन ते जेडी जानदे ने एक दूजे नु, पर इन्ने भी चंगे दोस्त नहीं ने। मतलब लवलीन ने दस्या सी मैनू कि उन्हां दी पहला तो जान पहचान है, पर बस हाई हेलो फ्रेंड्स ने। तुसी फिकर ना करो, इस तों अलावा कोई गल नहीं है, सच्ची। ठीक है पुत्र, मैनू तेरे ते पूरा यकीन है। चंगा हुण मैं चलदी हां, बहुत कम पए होए ने। मम्मी किवें हो तुसी? सॉरी तुसी फोन कर रहे सी, मैं फोन नहीं चुक पाई। लवलीन तू एक हफ्ते दा किया सी, ते हुण एक हफ्ते तो ज्यादा हो गया। ओ सॉरी मम्मी, थोनू दस्या सीगा ना कि मैं फ्रेंड दे फार्म हाउस आई हुई हां, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, दिल लगया होया इत्थे, सारे इकट्ठे रहने आ ना, थोनू पता ना मैं कदे पिंड नहीं वेख्या, इसलिए मैं पर आ जाऊंगी छेती। पर किन्ना टाइम? तेनू तेरे डैड दा पता है, वो टूर तो वापिस आ जाणगे, उना दे आण तो पहले पहले तू घर वापिस आ जा।
हाँ जी हाँ जी मम्मा मैं आ जाऊंगी। हाँ छेती आ जा। बीजी मैनू ना बहुत घबराहट हो रही है। किस गल दी घबराहट चन्नो पुत्र? बीजी मैं परम नू बुलाया गल करन लई। अच्छा फिर की कहंदा ओ? जेडी ते मतलब दोवां दा ना अफेयर सी, पर आंटी जी लवलीन दा अफेयर जेडी दे बाकी फेरा वांगू नहीं सी। जेडी लवलीन नू लेके काफी सीरियस सी। ए की कह रही है शनो? बीजी मैनू ना बहुत डर लग रहा है, जे सीरत ते सीरत दे परिवार नू एदे बारे पता लग गया तां बहुत वड्डा बवाल हो जाना। नहीं नहीं शनो ऐदा बिलकुल नहीं होना चाहिए। जद तक जिमी नहीं आ जाता सीरत ते ओदे परिवार वालियां नू इस गल दी भड़क तक नहीं लगनी चाहिए, समझ गए ना? हाँ जी बीजी। पर बीजी जिमी नू वापिस किद्दां लेके आवांगे? फोन लाउन ते मेरी गल करा, मैं ओनू कहनी आ कि हुणे दे हुणे इत्थे वापस आवे। ठीक है बीजी। यार मैंने तो बहुत टेंशन हो रही है, फिर सारे फंक्शंस नेड़े आ रहे ने, पापा ने तो घर जान की तैयारी भी शुरू कर ली है, हुन कुछ दिन च सारे फंक्शंस शुरू हो जाएंगे तो वो खरोट आने का ना ही नहीं लै रहा। यार जे वो नहीं आया तो की होगा? सोच सोच के तो मेरा दिमाग ही खराब हो रहा है। सीरत तू फिक्र ना कर, सब कुछ ठीक हो जूगा। वैसे भी ज्यादा टेंशन लेने नाल तां हालात होर भी ज्यादा खराब होणगे, तेना सोच के जेडी तेरी हालत खराब होगी ओह वड। ते मैनू तो बस अपने मम्मी पापा दी टेंशन है। यार मैं नहीं चाहती उन्हां दी तबीयत खराब हो जाए, ते आही फिकर ना मैनू अंदरों अंदरों खाई जा रही है बस। यार जे उन्हां नू पता लग गया कि जेडी अपने दोस्त दे घर नहीं है वो भज गया है, पता नहीं इस सदमा उन्हां नू बर्दाश्त होगा भी कि नहीं। यार मैनू समझ नहीं आ रहा मैं करां ते करां की। सीरत संभाल अपने आप नू, ज्यादा टेंशन लेके केड़ा तू उन्हें कोई एहसान कर रही है। भैन एक गल समझ ला, तेनू दुखी देख के ना तेरे पापा तेरी फैमिली सारे दुखी होणगे, सगो हुण तां तेनू कमजोर नहीं होर मजबूत बन के रहना पैना। अपने मम्मा पापा अगे तो कॉन्फिडेंस च रह, उन्हां नू फील ही ना होण दे कि इदां दा कुछ हो भी रहा है। बाकी सब रब ते छड़ दे, वो जो भी करदा है ना चंगे लई ही करदा। रामू आ पैक करके ना ते स्वीट भी रख दी नाल। हाँ हाँ स्वीट भी रख दी। ड्राइवर नु कह दिता सी ना कि उन्ने सीरत ते सीरत दे परिवार नु छड़ के आना पिंड। हाँ जी हाँ जी, और रंजीत कर रहा उन्हां दा इंतजाम। कल तो व्याह दी पहली रस्म है ते जसमीत दा इत्थे होना जरूरी सी। सीरत दे मामा पापा नु तसल्ली हो जानी सी कि उन्होंने व्याह तो पहला जसमीत नु देख लिया। ਓ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਆਊਗਾ ਵਾਪਿਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੀਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਜੂਗਾ। ਅਰੇ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆ ਵਿਆਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ, ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਓਹ ਸੀਰਤ ਤੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਣਾ ਪਿਟਣਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਆ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਵਿਦਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਇਸ ਵਿਦਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੂੰ ਇਸੇ ਘਰ ਆਣਾ,
मैं ना तेनू समझ ही नहीं सकती, बहुत अजीब है तू सीरत। पर सीरत जे सारा कुछ मेनू मिलिया होंदा ना तो मैं बहुत खुश होंगी। एक पासे पिंड वाली जिंदगी ते एक पासे जेडी सुपरस्टार दी वाइफ। वाओ हाय रब्बा, जेडी वापस आ जाए बस रस्मा तक, नहीं तो मैं सबनों की दसांगी। पापा किवें सहन करनगे ये सब। बाबा जी प्लीज मेरी मदद करो। आज सीरत परिवार वाले आ रहे ने, कुछ तोहफे देने तो बंदे ही ने ना। मैं तो सारी तैयारी कर ली है, पर तुसी मेरी एक बारी भी मदद नहीं की। सारा दिन तो फोन चलांदे रहंदे हो, पता नहीं किन्नू फोन मिला रहे हो। दो दे एक बारी देखो तो सही, कुछ घट तो नहीं पै गया। तुहाडे पांच दी होण वाली वोटी आ, ओ भांजा तां घर आवे ना। तुहानू की लगदा है जेडी हुण आऊगा नहीं, भज गया। तू बकवास ना कर, मैनू नहीं पता किथे आ ओ। मैं ओनू फोन ला रहा, ओदा फोन नहीं लग रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ओ जिम्मी फोन क्यों नहीं चक रहा? जिम्मी फोन चक। हाय दीदी, सो मुल्तानी मिट्टी दी। शनो दीदी, जेडी कित्थे आ? हजे तक क्यों नहीं आया? जेडी हजे तक नहीं आया। यार लवलीन, सारे नु कितनी टेंशन हो रही है, थे ओ खरोट आन दा ना ही नहीं ले रहा। जे ओ नहीं आया थे फिर की होगा? यार मैनू बहुत घबराहट हो रही है यार। सिरत मैनू लगता है सानू सारे नु दस देना चाहिए कि जेडी नहीं आऊगा। सीरत पुत्र तेरी गल हुई जेडी ना कोई पुत्र, हुण तां बहुत टाइम हो गया इहनूं, आ जाणा चाहीदा सी। दीदी हुण तां सब ठीक है ना, क्योंकि जिमी पुत भी आ गया ते घर च किन्नियां रौनकां लगियां ने। हांजी भैन जी, तुसीं बिलकुल ठीक कह रहे हो। जिमी पुत्र दे आण नाल पूरा घर ही रोशन आ गया। सो मुल्तानी मिट्टी दी, दीदी तुसी देखिया सीरत सब तो ज्यादा खुश सी। बस हुण दोनों नु किसे दी नजर ना लगे, दोनों बहुत खुश है। हाँ जी, हुण तो विआह दीआं रस्मां भी नेड़े आ रही, ते मैं तो सोच सोच के भी चाह चढ़ रहा है। इस विआह दा चाह सानू ही नहीं पूरे शहर नु है। दीदी सो मुल्तानी मिट्टी दी, हुण तो सारा शहर वेखूगा। पम्मीए मावां लई दिन किन्ना खास हुंदा है, ये सिर्फ मावां ही समझ सकदियां। पहले अपने पुत्र नूं पाल पोस के वड्डा कर दिया वेखना, ते फिर ब्याह वाले दिन उन्हूं सहरे विच देखना, ये खुशी सब तो वड्ड हुंदी है। हाँ जी भैन जी, मापिया वास्ते ना आ दिन बहुत सुखा सुखन तो बाद ही आंदा है। हाँ जी भैन जी। अच्छा पम्मीए, तू पम्मे नूं कह दे सारे रिश्तेदारां नूं फोन कर दे ते सारे तैयारियां खिंच लैन। हाँ जी दीदी। नाले भैन जी हुण लवलीन दे हसबैंड नूं भी बुला लो इत्थे, नाले ओह व्याह देख लैणगे ते नाले सब तो ज्यादा जरूरत है लवलीन होण दी। मतलब भैन जी इस वेले सब तो ज्यादा लोड़ तो हसबैंड दी हुंदी है ना। तुसी की कहना चाहंदे हो भैन जी, मैं कुछ समझी नहीं। सो मुल्तानी मिट्टी दी, तुहानू पता नहीं है भैन जी लवलीन प्रेगनेंट है। की होया भैन जी?
तेरी हिम्मत किदा हुई मैनू इन्ना वड्डे झूठ बोलन दी? ए बच्चा किदा, ये सब की हो रहा? बोल बोल दी क्यों नहीं, इड्डा वड्डा झूठ। आंटी प्लीज रुक जाओ, एक बारी मेरी गल ते सुनो। तू चुप कर, तू ना कुछ बोल, तू मैनू दस की ड्रामा मैं। आंटी जी प्लीज एक बारी मेरी गल ते सुन लो, लवलीन दी कोई गलती नहीं है इहदे विच। मैं थोनू दसदी हां, ओ बेचारी ते प्रेगनेंट भी नहीं है। हां जी आंटी, लवलीन दी कोई भी गलती नहीं है, ये सब बस मेरा प्लान सी जेड़ी नू वापस ले आने। मैं थोनू सारा कुछ दसदी हां, प्लीज आंटी मैनू माफ कर दो। हाँ बस एक प्लान सी, क्योंकि साढ़े कोल होर कोई चारा नहीं सी। एहदे विच बेचारी लवलीन दी कोई गलती नहीं है, वो तो सगो मैनू मना भी कर रही सी। हाँ जी मम्मी, सिरत ठीक कह रही है, मैनू माफ कर दो मम्मा, मैं थोनू इन्ना दुख पहुंचाया। तेरी हिम्मत किवें हुई मेरी कुड़ी नू बदनाम करन दी? तेनू पता इस गल ते इहदे कितनी बदनामी होनी है, ते ओ भी इस जेड़ी दे घर जिन्हें मेरी कुड़ी नाल पहले ही इन्ना गलत किया होया। मम्मा मेरी गल तो सुनो। तू चुप कर, समान चक अपना, असि इथो निकल रहे हैं। आंटी जी प्लीज ऐदा ना करो, घटो घट विह तो करो कुछ। विह? असि विह तो किदा रुक सकते हैं, ते अज जो होया ये किसी नालों घट है। असि इथे एक मिनट भी नहीं रुक सकते, असि अज हुणे ही जा रहे हैं। सो मुल्तानी मिट्टी दी दीदी, लवलीन दी मम्मी ने इदा दा व्यवहार क्यों किया? पता नहीं पम्मी, कुछ अजीब जा ता मेनू भी लग रहा है। हाँ दीदी, जिवे असी उन्हां नू लवलीन दे हस्बैंड बारे पुछया, ओ ता हैरान ही हो गए सी। तू बिल्कुल ठीक कह रही है पम्मी, असी जिद्दा ही सवाल किया उन्हां दे चेहरे दा रंग ही उड़ गया सी, जिवे असी एहो जा कुछ पुछ लिया होवे जेड़ा सानू नहीं पुछना चाहिदा सी। आहो दीदी, देख के ते इस तरह ही लगदा सी कि उन्हां नू लवलीन दी प्रेगनेंसी बारे कुछ भी नहीं पता। यही गल तो अजीब है कि एडी वड्डी गल लवलीन दी मम्मा नू किवें नहीं पता सी, कुछ तो अजीब है। किते है बच्चा? पम्मी है ओ पम्मी है, तू मिसेस बेदी दा नाम लिखिया से? हाय दीदी, ओना ने ता जेडी दे जमन ते सोने दी चैन पाई सी, की पता व्याह ते घर ही गिफ्ट कर देन। ओना दा नाम ता मैं सब तो पहला लिखिया। फिटा मुंह पम्मी है तेरा, तन ता बस प्रॉपर्टी ते गहने ही दिखदे है। दीदी मैं ते संधू अंकल ते उना दे बेटे दे नौ दा नाम लिखना ही भूल गई। ओना ने सोने दी चैन नहीं ना पाई होनी, इसलिए लिखना भूल गई होगी। पर मैं लिखता है। ओ भाई गुरमीत बरार होना दा नाम लिखना ना भूलना, अपने फैमिली फ्रेंड ने। ठीक है, मैं जरा गुजारा सा मत्था टेक के आया। अच्छा जी, मुंह तो वो नहीं कमलियो, बह के चज नाल लिस्ट बनाओ। तुहानू जिवें जिवें मैं दस्या, बरात दी लिस्ट वक ते रिसेप्शन दी लिस्ट वक बनाइयो। तुहानू पता ही है कुड़ी वालिया ने किन्ने काम करने हुंदे है, सौ तरह दे इंतजाम, कुर्सियां किन्नियां लाउणियां, किन्ने बंदियां दा खाना बनवाना, किन्ना कुछ करना, की लेना देना की, ते इन्ना बोझ नहीं उहदे ते पाउणा आपां। ठीक है, आपां वड्डी लिस्ट जिहड़ी हैगी है, ज्यादा बंदे रिसेप्शन ते बुला ही लैणे आ। इसे लई तुहानू कह रही हां कि जल्दी जल्दी बनाओ ते बल्लू नू भेजो, उड़ीक दिया होना बेचारा, एवी गल्ला ना मारी जाएगी। ओहो बीजी, तुहानू की लगता है मैं इन्नी वेली हां कि जड़ी पम्मी नाल गल्ला मारूंगी? हाय दीदी, मैं तुहानू इन्नी भैड़ी लगदी हां? पर नहीं नहीं, तू तो मेरी बड़ी सोनी भरजाई है। अच्छा गल सुन, जिम्मी नू भी तो पूछना पेगा ना, ओदी भी तो कोई लिस्ट होएगी। सही कह रहे दीदी। जिम्मी पुत्र तेरी कोई लिस्ट हैगी है तो दस दे। नहीं नहीं मम्मी कुछ नहीं। खड़ जाओ, एवी बोंदले ना जाओ, जिवें मैं तुहानू पहले कहा है वक वक लिस्ट बनाओ, बरात दी लिस्ट वक ते रिसेप्शन दी वक लिस्ट बनानी है। एवी बल्लू बेचारे ते बहुता बोझ नहीं पाना असी, ओ तो है ही बड़ा शरीफ बंदा, सौ बंदे दसांगे ते उन्हें 200 दा इंतजाम कर लेना। ठीक है। हां जी बीजी, पर असी किन्ने का घट प्राप्ति कर लवांगे? साडा जेडी पुत्र स्टार आ, असी किन्ना दे व्याह खादे ने, ओना नू तो भी तो बुलाना ही पेगा ना। नहीं मुंह तो नहीं पम्मी, केड़े घड़ी तेनू अपनी नूह बना के लियाई सी मैं, ओ दसी तो जानी तेनू मैं, रिसेप्शन कादे लई हुंदी है, ओदे च बुला लूगा जिम्मी जिन्हों भी बुलाना होगा।
हाय बीजी 100 मुल्तानी मिट्टी ने रिसेप्शन च ता फिर 4-5 हज़ार लोका दा इंतजाम ता हो ही जाऊगा ना। ओ कोई चक्कर नहीं, पर बरात 50 बंदियां तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। हां जी बीजी तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ब्याह दे विच ता सिर्फ अपने रिश्तेदार होना ता ज्यादा मजा आंदा है, ब्याह दा मजा दुगना हो जांदा है। दीदी फिर मैं मिसेस बेदी दा नाम ही कट देनी आ। क्यों ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਹਾਏ ਦੀਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੀਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਟੈਚੂ ਟੁੱਚੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਜੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਰਤ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਡੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੰਮੀ ਉਸ ਟੈਚੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੈਚੀ ਤੋਂ ਵੱਖੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟੈਚੀ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਖੋਰੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਵਾਹ ਕਿੰਨੀ ਘਰੇਲੂ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਮਿਸਿਸ ਢਿੱਲੋਂ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਰਗੇ ਘਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਮੰਮੀ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਚੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦੀ। ਲੱਗਣ ਦੋ ਉਸ ਅਖਰੋਟ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੀਰਤ, ਸੀਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਸੀਰਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਸੀਰਤ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ? ਸੀਰਤ ਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਸੀਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ? ਸੀਰਤ ਮੰਮੀ ਸੀਰਤ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਰਤ ਤੂੰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇ। ਸੀਰਤ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਨੂ ਵੀ ਨੱਚੀ, ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚੀ ਸੀ ਨਾ ਬੀਜੀ? ਲੈ ਨਿੱਕਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਬੀਜੀ ਕੱਲ। ਰੌਣਕਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ
की कह रही है कमल? हाँ जी बीजी, सीरत नु हल्दी लगान तो बाद ओदे पूरे शरीर ते एनर्जी हो गई है, मुंह ते बावां ते तफड़ ही तफड़ पै गए ने। कमल आ तो बहुत ही माड़ा होया। पर तू घबराना, मैं जिम्मी नु भेज दी हुणे दी हुणे। ओ सीरत नु लेके चंडीगढ़ चंगे तो चंगे डॉक्टर नु विखाएगा, ते किसे ने भी फिकर नहीं करनी। बीजी किद्दां बैठोगी मेरी ती व्याह वास्ते? मेनू बहुत डर लग रहा है। तू फिकर ना कर कमल। बिल्कुल फिकर ना कर, भेज दिया मैं। ठीक है। पता नहीं किदी भैड़ी नजर लग गई है, एक बखेड़ा मुकदा नहीं ते दूजा खड़ा हो जांदा। कमल कह रही है कि हल्दी नाल सीरत दे मुंह ते पूरे पिंडे ते एलर्जी हो गई है। की हो गया? पता नहीं किन्ना बुरा लग रहा होना सीरत नू। केहो जी गला करदे हो बीजी? ओ हल्दी ता जिमी ने भी लाई सी। जिमी ता चंगा भला घूम रहा है, ते उन्हें नहा के हल्दी ने ता अपना असर भी दिखा दिता होया। हाँ बीजी, नहा के तो उन्हें अपना रंग भी दिखा दिता है। आही ता, पर सीरत नू ता हो गया ना, व्याह होण वाला है। हे वाहेगुरु, ए की हो रहा साडे नाल? बीजी पक्का उन्हें हल्दी नाल ही एलर्जी हुई है, किते उन्हें कुछ होर ता नहीं लाया सी? हाँ बीजी, कुछ होर ता नहीं लगाया सी। कमल ने ता मेनू यही दसिया कि हल्दी लांदे ही ओदे हत्था पैरां ओदी शक्ल ते सारी एलर्जी हो गई। हाय हाय बीजी, ओथे तो सारे परोणिया ने देखा होना, और व्याह तो पहले ही लांबा आ जाना। की सोचदे होने है कि असी केहो जी हल्दी दित्ती है कि व्याह तो पहला कुड़ी दी शक्ल ही बिगड़ गई है। ओहो शन्नो, आ टाइम इना गल्लां दा नहीं है। आपां तां हुण इही करना है कि ओ छेती तो छेती ठीक हो जाए। कल मेहंदी है, परसों संगीत है, फिर व्याह रिसेप्शन, छेती छेती ठीक हो जाए साडी बच्ची। मेनू तो समझ ही नहीं आ रही बीजी, आज जदों दा रिश्ता पक्का होया ना, पता नहीं किन्ने ही करोड़े आ रहे ने। हाँ हुन जदों सारा कुछ हो रहा ठीक ठाक, ते हुन आ बखेड़ा पै गया। तेरे सामने ही मैं क्या कमल नू कि जिमी आ रहा छेती तो छेती, हुन तू छेती जा ते जिमी नू आख ओ निकले सीरत को जान ली। पर बीजी जिमी नू हुने हुन बैचलर पार्टी करन जा रहा सी, हुन ओनू किवें कवां? केहो जिहा गल्लां कर रही है तू शन्नो? ओथे सीरत दी हालत खराब होई पई है, ते तू कहनी पई है कि जिमी ने पार्टी करनी है दोस्तां दे नाल? तेरा दिमाग ता नहीं खराब हो गया शन्नो? पिछली बारी याद है ना की होया सी ओ दोस्तां वाली पार्टी च? तू ओनू छेती तो छेती भेज ओथे, ते सीरत नू लैके ओ वधिया डॉक्टर नू विखावे। वेख शन्नो, इस काम च मैं कोई देरी बर्दाश्त नहीं करांगी, ते कोई भी बहाना नहीं सुनांगी। हां जी बीजी, मैं जानदी हां ना जिमी नू, राज होगा, पर हुन बीजी भी ठीक कह रहे ने। हे वाहेगुरु, मेर करियो। सीरत, किद्दां दा महसूस हो रहे हो? डर तो नहीं हो रही ना? जलन हो रही होनी है? नहीं ठीक हाँ मैं। वैसे तो बर्फ लगान नाल तफड़ कट गए ने, ते सोच भी थोड़ी कट हो गई है, पर असी चाह रहे सी कि एक बारी डॉक्टर नू दिखाया जावे, पता ते चले कि एलर्जी होई क्यों है शरीर ते। नाले डॉक्टर वेख लेगा ते सानू भी तसल्ली हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी आंटी, मैं इसलिए आया थे, मैं लेके जाऊंगा ना डॉक्टर को। कोई नहीं पुत्र, तो होने होने आया है, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाह लेके आनी हूँ। तुसी बैठो, मैं कैटरिंग दे पैसे देवांगा, उड़ीकदा होना मैनू। किधर रही थोड़ी हल्दी की रस्म? ओ सॉरी, मिर्चा की रस्म? हाँ शनो, जिम्मी चला गया ना सीरत वाल? हाँ जी बीजी, वो तो पहुंच भी गया होना है।
ਉਹ ਬਰਾਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਬੀਜੀ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਚੂ ਚਪੜ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਸ਼ਨੋ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਭਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੇ ਵੇਖ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਓਹੋ ਬੀਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਆਪੇ ਸਮਝਦਾ ਜਾਊਗਾ ਲੈ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਐਸ ਉਮਰ ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਓਹੋ ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੰਮੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬੀਜੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਸੀਰਤ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲੇਗੀ ਲੈ ਸੀਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਰਤ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀ ਸਾਂਭੂਗੀ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਨੋ ਅਜੀਬ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਖੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲੈਗੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸ਼ਨੋ ਜਿੰਮੀ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਸੀਰਤ ਵੇਲੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲੈਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲੈਗੀ ਵੇਖ ਸ਼ਨੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰਤ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਂਭਲੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੀਰਤ ਸਾਂਭਲੂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਲ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਫੜੀ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਹਾਂ ਆ ਤਾਂ ਫੜ ਤੋਂ ਫੜ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲਦੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਰਸਮ ਬੀਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਵੇਖ ਸੀਰਤ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੋਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਧੋਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਸ਼ਗਨਾ ਦਾ ਇਥੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚ ਲੱਥ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੀਰਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖ ਦੇਗਾ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਸੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਡਰੈਸ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਓਏ ਹਾਂ ਬੀਜੀ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਸਾਡੀ ਦਾ ਬੀਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਉੱਠ ਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਓ ਬੀਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ
नाले बीजी ओदा भी तो व्याह होन वाला है, हुन ओ सीरत दे ही काम करदा रहूगा या अपना भी कोई काम करूगा? मुंह तो नहीं छनो, मैं ओनु कोई बदलन च नहीं लगी हुई, मैं ओनु जिम्मेदार बना रही हूं, तेरा ही काम कर रही हूं। मेरा धन्यवाद करने के बजाय तू मेनू ही डांटन रही है। चुप कर, हुणे बच्चा नहीं रहा, एदियां गलतियां ते पोचे पाना बंद कर। व्याह नहीं होया, फांसी दा फंदा पै गया मेरे पुत्र दे गल च। ओहो, एक तां इन्नी ठंड, उत्तों सखरोट करके मैनू बार बार हाथ धोने पै रहे ने। इन्नी वारी हाथ धो ले पर अब मैंने इन्नी गुड़ी छप्पी है कि लत ही नहीं रही। एक होर बार हाथ धोवांगी। हाँ शिंदे यार, तेरी सादे लोड पैसा दिए, तेनू तो पता है कि करे धी का व्याह रखा होया, समझ नहीं आती कि की करा। यार जे तू थोड़ी जी मेरी सहायता कर देवे तो तेरा बहुत धन्यवाद होगा। हाँ 6 लाख होर चाहिए है बस। सीरत पुत्र तू? पापा 6 लाख की गल कर रहे हो? ओ पुत्र, मेरे एक दोस्त का फोन आया सी, कहता सी चंडीगढ़ हाईवे ते 6 लाख लोगों ने धरना दिता होया, यही डरते सी पुत्र कि बरात आने च कोई समस्या ना हो, बस आही गल करते पे सी। अच्छा ते आ खबर फिर गलत है ना? ओ पुत्र जी, ये तो अफवाह सी, अफवाह हमेशा फैल दी है, तो फिकर ना कर पुत्र, देखी तेरी बरात कितनी शानो शौकत नाल आऊगी, ते सानू रोंदियां नू छड़ के तेनू अपने नाल ले जूगी। ओहो पापा, इंज ना बोलो तुसी, मैं सोरियां कर चली हां, थोड़ी जिंदगी तो थोड़ी ना, ते तुसी एदां दियां गल्लां करके ना मैनू होर रवा देना है बस। आ तेरा जिहड़ा प्यो है ना, इहने बहुत औखा वेला वेख्या है, ते पुत कोई भी मुसीबत तेरे प्यार नालों वड्डी नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस तू बेफिक्र होके अपनी नवी जिंदगी दे सुपने देख। चौधरी रा पुत्र, बाबा जी तेनू हमेशा ही खुश रखन। तुसी चिंता ना करो, मैं लोन दी सारी किस्तां समय ते दे दिया करांगा। देख बलविंदर, बैंक को लोन देने लगे सामने वाली पार्टी को सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ लेना पैदा, तेरे को बहुता कुछ मैं कहा है भी नहीं सिक्योरिटी देने दे, पर मैं तेरी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। 2 दिन बाद मेरी धी का विआह है, इसलिए मैं 10 लाख रुपये की लोड़ है, हम गल इज्जत ही आ गई सरपंच साहब, इन्हें लोगों का रोटी का इंतजाम किवें करूँगा मैं। 5000 खबर च होना जोश नहीं है जिन्ना होना चाहिए, अब जेडी दे सारे फंक्शन अड्ड हो रहे हैं ना, इस करके एक साड़ी भी पब्लिसिटी होनी चाहिए। पीजी नू फोन करती हूँ। हेलो। हेलो, सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल तो ठीक है पुत्र, पर तू सुना, इन्ने कम्मा काजा च तेनू किवें वेल लग गया मेरे नाल गल करन दा? मैं तो सोचती सी तू तो नचदी टपदी होनी है। ले बीजी, तुसी किद्दा दी गल करती, मिंटी नू नचन टपन लई आ व्याहवां दी लोड थोड़ा पैंदी है, मिंटी तो तुरदी भी एदा है जिदा नचदी होवे। अच्छा दस किवें याद किता मेनू? अब बीजी मैं की सोच रही सी कि जे दोवें परिवार संगीत फंक्शन कट्ठा कर लिए, मेरे कहने का मतलब आवे कि संगीत फंक्शन भी कट्ठा हो जाएगा तो बीजी मजा भी ना दुगना होगा, की कहते हो तुसी? हाँ, ये आइडिया तो बड़ा चंगा है। हाँ ऐसे ही कर दे, मैं सारे नाल गल कर दी हैं। हाँ जी बीजी, हाँ जी चंगा, मैं रख दी हूँ। हमारे अब्बा मम्मी नू कहती हैं, छड़ दे जाने, गिर जावांगी मैं।
मम्मी आज ना मैं बहुत खुश हां। हाय दोवे परिवार दा इकट्ठा संगीत होएगा। हाय मम्मी कितना मजा आऊगा, किनी रौनका लगन गिया। मम्मी किनी पब्लिसिटी होगी, मतलब अखबारा इंटरनेट सारी जगह च साडा ही परिवार होगा। हाय कितना मजा आऊगा। छोटी छोटी मेरी गल सुन, तू ना ओ ड्रेस पाई जेडी तन्नू मैं लेके दित्ती सी, ते वाला नू ना आपां कर्ल्स करा लांगे। मैं ना अपनी सेली नू कॉल कर दांगी, वो तेरे कर्ल्स कर देगी। चंगा ते मम्मी तुसी ओही सूट पायो जेड़ा मैं पसंद कीता, तुसी बहुत सोहने लगोगे मम्मी। हां मेरी मां, मैं ओही सूट पावांगी जेड़ा तू पसंद कीता है। चल मिंटी अक्की नवा तमाशा लाएदा तू, अक्की तू सारे नू एको ही संगीत करन दा आईडिया देई जा रही है। तेनू पता है किन्नी मीडिया होगी, किन्नी पब्लिसिटी हो जानी है, वो भी फालतू दी। हो माय रब्बा सीरत, एक तेनू गल कहांगी, मेनू लगता है तू ना पागल हो चुकी है। भाई तेरा संगीत आज तनु तो सब खुश होना चाहिए, किनी रौनका लगन गया, किना मजा होगा, ते पूरे खबरां च ना तेरा ही नाम होगा। नहीं आना मैं मीडिया च, तेरे वर्गे ना एहो जे फालतू दे शौक नहीं है मेनू खबरां ते आउण दे ते सोशल मीडिया ते फेमस होण दे। समझ लगी? चुप रहो। रौला पाया घर विच व्याह रखिया होया, शगना दा माहौल है ते तुहाडे तमाशे नहीं पुकदे, कम कर लो कोई। मम्मी की होया पापा ने? अज पहली बार पापा ने इन्नी उच्ची आवाज च साडे नाल गल कीती, कुछ ता है जिदी वजह नाल पापा इन्ने परेशान ने। हाँ जी भाई जी, मैं बलविंदर सिंह बोल रहा, मैं घर दे नूं तैयार हां जी।